से हमारे जो कॉन्स्टेबल्स जो भर्ती हुए थे दो साल से पहले जो भर्ती हुए थे उनके दो साल पूरे हो गए, तो एक सामान्य प्रक्रिया है कि इनके पास एक कन्फर्मेशन किया जाता है इनका, तो आज वो कन्फर्मेशन वाली स्थायीकरण वाली प्रक्रिया है, तो वो प्रक्रिया की जा रही है। आज 63 कॉन्स्टेबल्स हैं जिनको कंसिडर किया गया है और उसकी प्रक्रिया चल रही है। सर कितने कॉन्स्टेबल कितने हैं आज? 63 आगे क्या देगा काम जो? बस ये एक स्थायीकरण हो गया, एक प्रक्रिया है, इसके बाद जैसे भी है जहाँ थाने लगाना है लाइन में रखना है अपना रूटीन में जो काम कर रहे हैं वही करेंगे। सिर्फ एक टेक्निकल है कि इसके बाद ये स्थायी हो जाते हैं इस विभाग में। सर कितने टाइम की ट्रेनिंग है? ट्रेनिंग 2 का टाइम होता है, 2 के टाइम में सारी है, ट्रेनिंग भी आ जाती है आपकी जो ट्रेनिंग स्कूल की ट्रेन है वो भी आ जाती है 6 महीने की, उसके बाद थानों की है, शहर का थाना है, गांव का थाना है, ग्रामीण थाना है, उसके बाद पुलिस लाइन का है, एसपी ऑफिस का, उनका एक शेड्यूल बना हुआ है ट्रेनिंग का, वो ट्रेनिंग करेंगे, वो कम्प्लीट हो चुकी इनकी ट्रेनिंग और उसके बाद काम कर रहे थे, लेकिन 2 के अवधि के पहले उनका स्थायीकरण नहीं किया जाता, वो प्रक्रिया उसमें करें। थैंक यू।